तो शाक्स, क्या आप मेरा सैंडविच अप्रूव करते हैं? 1 करोड़ दूंगा। गाइस, वेलकम टू योर चैनल इंडियन ब्रोज एंटरटेनमेंट। सो आज मैं लेकर आया एक बहुत ही अलग टाइप की डिश जो मैं रेगुलर बेसिस पे खाता हूँ, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करनी चाहिए। सो ये है वो डिश, आप देख सकते हो, और इसे मैं कहता हूँ एग सैंडविच। और इसमें पूरी जो फिलिंग है वो एग की है, आप देख सकते हो, और नीचे और ऊपर 2 टोस्टेड ब्रेड है। सो ये एक मैंने ना फॉरेन डिश देखी थी, उसको थोड़ा कॉपी करके बनाया है। सो इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगा और फिर एंड में करूँगा इसका टेस्ट रिव्यू। तो सबसे पहले आप इसकी रेसिपी देखिए। हे गाइस, सो इस डिश को बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे एग्स, ब्रेड, बटर, प्याज, हरी मिर्च और धनिया। आप चाहो तो और एक्स्ट्रा वेजी यूज़ करते हो, आपके ऊपर है। सबसे पहले हम इसे चॉप कर लेंगे अच्छे से, और चॉपिंग ऐसे करनी है कि प्याज हमें थोड़े मोटे रखने हैं इसमें, और धनिया तो अच्छे से चॉप करना है, और हरी मिर्च ऑप्शनल है, आपको यूज़ करना तो कर सकते हैं, तो कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं। और सबसे पहले जो हमें करना है, हमें अपनी 2 ब्रेड्स का टोस्ट बनाना है। टोस्ट इन द सेंस, हमें अपने ब्रेड को बटर के ऊपर रख के सेकना है ताकि वो थोड़ी क्रंची हो जाए। और क्योंकि हम दोनों ब्रेड्स को यूज़ करेंगे, एक अपर के लिए एक बॉटम के लिए अपने सैंडविच में। सो थोड़ी देर टोस्ट करने के बाद जब उसका कलर कुछ ऐसा हो जाएगा, समझना आपके ब्रेड अच्छे से टोस्ट हो चुकी है। सो हम दोनों ब्रेड को साइड में रख लेंगे, और सबसे पहले हम बनाएंगे एग्स का पेस्ट। मैंने लिए हैं 3 अंडे, आप चाहो तो ज़्यादा या कम अंडे कर सकते हो अपने प्रेफरेंस के हिसाब से। सो अंडों का पेस्ट हमें बढ़िया सा बनाना है, और पेस्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम डालेंगे इसमें प्याज, और फिर डालेंगे हरी मिर्च। उसके बाद मैंने यूज़ किया ब्लैक पेपर, आप चाहो तो लाल मिर्च पाउडर यूज़ कर सकते हो, और डालेंगे एक हर्बी टेस्ट के लिए खूब सारा धनिया। फिर हम इसको करेंगे अच्छे से मिक्स, और नमक डालना मत भूलना, और मिक्स करेंगे इस तरह से कि एक बढ़िया सा पेस्ट हो जाए। और बनने के बाद ये पेस्ट कुछ ऐसा सा दिखेगा आपको। सो पेस्ट हमारा बन गया है। उसके बाद हम इसको सीधा डालेंगे पैन में। मैंने फिर से पैन में बटर डाल के पैन को गर्म कर लिया था। अब इसमें आप डालेंगे अपने एग का पूरा पेस्ट, और पेस्ट डालने के बाद हम थोड़ा सा वेट करेंगे, हल्का सा ये स्प्रेड हो जाए इवनली, और हल्का सा ऊपर से पकने लग जाए। तब हम इसमें अपनी जो 1 टोस्टेड ब्रेड है वो रख देंगे। टोस्टेड ब्रेड रखने के बाद जब ये ऊपर से हल्का सा पक जाए, तब हमें इसे फ्लिप करना है, और देखो कितना बढ़िया फ्लिप हुआ है इसमें। 1 2 3 मैम, देख सकते हो कितना बढ़िया कलर आ रहा है, कितना सही लग रहा है ये। सो अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रेड करेंगे केचप का। आप चाहो तो मेयोनीज़ या चीज़ भी डाल सकते हो। मुझे केचप अच्छा लगता है, तो मैंने केचप यूज़ किया है, और केचप को बढ़िया से स्प्रेड करके। इसके बाद जो सबसे ट्रिकी पार्ट है वो करना है, जितना भी साइड में एग्स का लेयर आया हुआ है उसको हमें सेंटर में फिक्स करना है, सेंटर में डालना है, क्योंकि सैंडविच में सारा कुछ जो मटेरियल होता है एक ब्रेड और दूसरे ब्रेड के बीच में होता है, तो बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो इसको अच्छे से आपको सेंटर में एकदम पेस्ट कर लेना है, और जैसे ये सेंटर में आ जाएगा, उसके बाद हमें अपनी जो दूसरी ब्रेड है वो इस पे लगा देनी है। सो ये लीजिए, आपका सैंडविच एकदम तैयार है। देख सकते हो कितना फिलिंग लग रहा है। अगर आप इसे ब्रेकफास्ट में खाओगे, लंच तक आपको भूख नहीं लगने वाली है, और बहुत ही हेल्दी भी है। आप देख सकते हो कितना सही लग रहा है देखने में। सो अब मैं करता हूँ इसका टेस्ट रिव्यू, और आपको बताता हूँ इसका टेस्ट कैसा है। तो गाइज, आई होप आपको रेसिपी पसंद आई हो। बहुत ही सिंपल और अच्छी रेसिपी थी। अब हम इसका करते हैं टेस्ट रिव्यू। सो वैसे मैं इसका पीसेस में काट के भी टेस्ट रिव्यू कर सकता था, बट सैंडविच को खाने में ऐसे ही मज़ा आता है। बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, और आप इसे ज़रूर ट्राई करना। हेल्दी भी है और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा है। आप ट्राई ज़रूर करना। अगर आप ट्राई करते हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। और होली आने वाली है, तो मैं होली के लिए एक होली थाली चैलेंज भी लेके आने वाला हूँ। वही बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो वो अगर आपको देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं रेगुलर बेसिस पे अच्छे अच्छे वीडियोस आपको दिखाता रहूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।